दोस्तों अभी हम लोग हैं बाघ नदी पर, जो कि है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। यहाँ से छत्तीसगढ़ की शुरुआत हो जाएगी, जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो पे बताया था। तो इस तरीके से अभी हम कुछ देर के लिए इस बाघ नदी पर रुके हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत फोटो खींचे। शाम के लगभग 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 छह बज रहा है अभी। दोस्तों मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, वो नागपुर से। अभी हम लोग हैं NH 44, जो कि है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। यहाँ से अभी हम जाएंगे दुर्ग की तरफ। क्या क्या बीच में पड़ता है वो भी हम कवर करेंगे, छोटा सा ब्लॉग रहेगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस मेरे ब्लॉग में जरूर बने रहिए। और साथ ही हम लोग देखेंगे क्या क्या खास चीजें बीच में पड़ती है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्लोवर लीफ पर। क्लोवर लीफ जैसा कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर। नागपुर में ये क्लोवर लीफ है जो कि स्ट्रेट रोड निकलता है आपका सिवनी या कह लीजिए श्रीनगर की तरफ। और साथ ही हम यहाँ से नीचे उतरेंगे और जाएंगे रायपुर दुर्ग की तरफ। क्लोवर लीफ एक अरेंजमेंट होता है जिसमें सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती और ट्रैफिक आराम से एक रोड को क्रॉस करते हुए बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन बैरियर के निकल जाता है। चलिए अभी हमें भंडारा की तरफ जाना है और लेफ्ट मुड़ना है। मैं इंडिकेटर दिखा दिया हूँ और अब मेरी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ, भंडारा के डायरेक्शन में मेरी गाड़ी जाएगी। तो ये देखिए ये बोर्ड है, आगे जबलपुर के लिए निकल जाता है सिवनी और ये भंडारा के लिए। दोस्तों हम भंडारा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो भंडारा सिटी है वहाँ पर हम लोगों को 2 लेन रोड दिखाई देगा। 4 लेन से 2 लेन हो रहा है और कुछ दूरी 2 लेन के बाद फिर से 4 लेन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर शहर के बीचों बीच से हम गुजरेंगे। अभी यहाँ पर बाईपास प्रपोज है ऑलरेडी, उस पर कंस्ट्रक्शन काम अब शुरू हो चुका है। लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण भी हो चुकी है। दोस्तों अब हम लोग 2 लेन से 4 लेन में आ रहे हैं। भंडारा सिटी पार हो चुकी है और आगे हमें पड़ेगा लाखनी और सकोली। वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से वहां पर ब्रिज का काम चल रहा है। यहां पर जब हम दूरी देख रहे हैं तो देवरी 72 किलोमीटर, जो कि महाराष्ट्र में आता है, रायपुर 218, संबलपुर 485 किलोमीटर। ये जो रोड है ये आपका कोलकाता तक जाता है, कोलकाता हजीरा रोड है ये। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। दोस्तों ये आ गया आपका लाखनी। लखनी में आपका फ्लाईओवर बन चुका है, उद्घाटन का इंतजार है। इस तरीके से आप देख रहे हैं राइट साइड पर ये है फ्लाईओवर। इसके बनने के बाद, हालांकि बन चुका है, मतलब इसके शुरू होने के बाद ट्रैफिक काफी सुगम तरीके से इस शहर के ऊपर से निकलेगा। हालांकि अभी भी ब्रिज के नीचे से बहुत प्यारे तरीके से रोड बना हुआ है, बीच में गार्डन है, बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और ट्रैफिक जाम भी नहीं होता। चलिए उसको अभी हम देखते हैं, शेयर करते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत खूबसूरत ब्रिज और साथ ही रोड भी बना हुआ है नीचे, जिससे जाम लगने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और कितने दूर तक ये फ्लाईओवर बना हुआ है, इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना, NHAI का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट। ये ऑलरेडी ये नेशनल हाईवे है, 4 लेन हाईवे है, ग्रेट ईस्टर्न हाईवे है और भारतमाला योजना के अंतर्गत कई अधूरे प्रोजेक्ट जहाँ पर फ्लाईओवर की जरूरत है उसका काम चल रहा है, जिसमें से ये लक्ष्मी भी एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं साकोली। यहाँ भी आपका भारतमाला योजना के अंतर्गत आपका फ्लाईओवर बन चुका है, हालांकि इसमें अभी आवाजाही शुरू नहीं हुई।
किस तरीके से आप देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल आपका कॉलम है और साथ ही स्लैब है। जब यहाँ से आपका ट्रैफिक शुरू हो जाएगा तो शहर में जो जाम लगता है वो नहीं लगेगा और साथ ही समय भी काफ़ी कम लगेगा। अभी भी फिलहाल देखा जाए तो 4 लेन हाईवे है, मतलब यहाँ भी कुछ जाम देखने की स्थिति नहीं है। पहले हालांकि जो है बगल वाला सर्विस लेन है उससे होकर गुजरना पड़ता था क्योंकि इस पर काम चल रहा था। अभी भी काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये है साउथी का फ्लाईओवर। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें आएंगी जिसे हम कवर करेंगे। अभी हम लोग नागपुर से 137 किलोमीटर आए हैं दोस्तों और ये आपका जो साकोली देवरी के बीच में जो आपका 4 लेन से 2 लेन है वो वाला रोड है। इसमें बगल में रोड का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से ये 4 लेन नहीं बन पाया था, परमिशन नहीं मिली थी। अब फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग जो पहुंचने वाले हैं, अब देवरी पहुंचने वाले हैं। बीच में कुछ फॉरेस्ट का एरिया आता है, देवरी के बाद के जंगल काफ़ी अच्छे हैं। रात को पहुंचेंगे तो वहां पर मैं कवर करूंगा किस तरीके से रात को माहौल कितना अच्छा नज़र आता है। छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट का एरिया रहेगा वो। देवरी जो है वो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। तो चलिए मैं कुछ लोगों से आपसे मिलाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देखिए, ये हमारी मैडम जी हैं और यहाँ पर ये हमारी छोटी बिटिया, बड़ी बिटिया बड़े पापा लोग के साथ गई है। इस तरीके से हम लोग नाना नानी के घर गए थे इसके, और अब नागपुर से दुर्ग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक लॉन्ग ड्राइव है। तो ये आप देख पा रहे हैं ग्रेट ईस्टर्न हाईवे। तो चलिए जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या आता है। दोस्तों हम लोग आ गए हैं देवरी, जो कि नागपुर से 157 किलोमीटर की दूरी पर है। देवरी आप ऐसा कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। आगे बाघ नदी मिलेगी, वो है आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। दोस्तों जो आपका लेन है वो शेयर हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिपेयर का काम कह लीजिए। ऑलरेडी 4 लेन हाईवे है लेकिन रिपेयर की जरूरत होती है बीच बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा, आई थिंक 1 किलोमीटर के आसपास ही ये होना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग हैं बाघ नदी पर, जो कि है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। यहाँ से छत्तीसगढ़ की शुरुआत हो जाएगी जैसे कि ऑलरेडी मैंने वीडियो पे बताया था। तो इस तरीके से अभी हम कुछ देर के लिए इस बाघ नदी पर रुके हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत फोटो खींचे। शाम के लगभग 6 बज रहा है अभी फिलहाल। तो आगे अभी हम देखेंगे किस तरीके से छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट जो हैं वो, उसके बीच से रोड कितने अच्छे तरीके से गुजर रहा है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस बताई गई है जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संबलपुर 405 किलोमीटर, राजनांदगांव 63 किलोमीटर। तो इस तरीके से यहाँ से जो संबलपुर है जो कि उड़ीसा में आता है वो 405 किलोमीटर। इसका मतलब कि ये जो पर्टिकुलर ग्रेट ईस्टर्न हाईवे है ये आपका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की लाइफलाइन है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाती है कोलकाता के लिए, मतलब हजीरा कोलकाता हाईवे। तो चलिए हम लोग जर्नी को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देर के लिए हम लोग स्टे लिए थे यहाँ पर बाघ नदी पर, तो चलिए शुरू करते हैं। से 227 किलोमीटर आए हैं। ये है आपका राजनांदगांव जो कि छत्तीसगढ़ में आता है। इस तरीके से राजनांदगांव के फ्लाईओवर में अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं और इसके बाद जो हमारा पड़ाव रहेगा दुर्ग, जहां हमें पहुंचना है। तो चलिए आगे हम देखेंगे दुर्ग। दोस्तों अब हम दुर्ग पहुंच चुके हैं, 266 किलोमीटर हुआ है और साथ ही
एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहला सिग्नल मिला है नागपुर के बाद। सोचिए कहीं पर हमें सिग्नल नहीं मिला, कहीं पर कोई सिग्नल नहीं। और यहाँ से अभी हम सिटी की तरफ एंट्री करेंगे, सेक्टर एरिया होता है भिलाई का, वहाँ पर हम प्रवेश करेंगे इस ब्रिज के जरिए। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में।